नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। जम्मू एयरपोर्ट की बात करें तो आपको बता दें कि एक बड़ी खबर जो है अब जम्मू एयरपोर्ट को लेकर आ रही है, और वो ये है कि जम्मू एयरपोर्ट में अब रात को भी जो है जितने भी विमान हैं वो रुक पाएंगे। जी हाँ, पहले अगर बात करते हैं जम्मू एयरपोर्ट की तो जितनी भी फ्लाइट्स रात को आती थी उन्हें जो है रात को ही वापस जाना पड़ता था और फिर दोबारा जो है मॉर्निंग में आकर फ्लाइट्स जो है वहाँ से उड़ान भरती थी। लेकिन अब जो है जम्मू एयरपोर्ट में बात करते हैं, कुछ देर पहले ही जो है वहाँ के रनवे का जो है काम शुरू हुआ था और रनवे का काम भी जो है चल रहा था। इसी में अब जितनी भी फ्लाइट्स रात को आएंगी वो वहाँ पर रुकेंगी और अर्ली मॉर्निंग जो है अब फ्लाइट सर्विस जम्मू से भी शुरू की जाएगी। इसे श्रीनगर की बात करते हैं तो 2018 में भी श्रीनगर में सेम ट्रायल जो है लिया गया था, जिसके बाद श्रीनगर की एयरपोर्ट की अगर बात करते हैं वहाँ से जो है रात को फ्लाइट्स वहाँ पर रुकती थी और मॉर्निंग में जो है वहाँ से उड़ान भरती थी। और इसी के साथ साथ जम्मू एयरपोर्ट की बात करें तो मेन फोकस जम्मू एयरपोर्ट का है, और आपको बता दें कि इस पर जो है पहले पूरे दिन की जो है 25 फ्लाइट उड़ान भरती थी, अब उसमें जो है फ्लाइट्स का नंबर भी जो है इंक्रीज़ करने की बात आई है। 25 से लेकर अब 40 जो है नंबर इंक्रीज़ कर दिया गया है और इस पे जो है जल्द से जल्द काम किया जाएगा। आपको बता दें इसी के साथ 40 जो नई फ्लाइट शुरू करेंगे उसकी प्लानिंग जो है की जा रही है, और साथ ही साथ रात को जितनी भी फ्लाइट्स है अब वो वहीं रुकेंगी, क्योंकि अगर दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली से जितनी भी फ्लाइट्स जम्मू आती थी तो उन्हें जो है उसी वक्त, यानी अगर रात की फ़्लाइट्स हैं तो उन्हें वापस जाना पड़ता था और वो वहाँ पर नहीं रुक सकती थी। लेकिन अब इसमें ये है कि जम्मू एयरपोर्ट पर जितनी भी फ़्लाइट्स रात को आएंगी सब फ्लाइट्स जो है वहाँ पर रुकेंगी और सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग वापस जो है फ़्लाइट सर्विस की अगर बात करते हैं वो शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि इसी के साथ साथ लास्ट ईयर जो है जम्मू में नाइट फ्लाइट सर्विस शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है रनवे का काम भी शुरू हुआ था। अब फ़्लाइट्स के नंबर जो है इंक्रीज़ करने की भी बात आई है, और इसी के साथ साथ अगर जम्मू एयरपोर्ट के एयरबेस की बात करते हैं तो पहले जो है वहाँ पर 6,700 फीट का था और अब उसको बढ़ाकर, जहाँ मैंने कहा आपको कि रनवे का काम शुरू हुआ था, उस एयरबेस का अब आपको बता दें कि जो एरिया है अब 8,000 फुट जो है हो चुका है, और साथ ही साथ रनवे का काम जब वहाँ पर चला था ये पूरी चेंजेस जो है वहाँ पर लाई गई थी। आपको बता दें कि एक और खबर जो है साथ ही साथ जम्मू एयरपोर्ट के साथ बात करते हैं तो बेली चराना एरिया जो जम्मू का है वहाँ पर एक और नए टर्मिनल भवन को जल्द शुरू करने की तैयारी जो है की जा रही है। तो फिलहाल जितने भी यात्री हैं जो एयरप्लेन सर्विस की अगर बात करते हैं, जो फ्लाइट्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं, तो उनके लिए ये खबर है, और जम्मू एयरपोर्ट पे अर्ली मॉर्निंग अब जो है सर्विस शुरू कर दी जाएगी। और साथ ही साथ फिलहाल यही है कि रात को आने वाली जितनी भी फ्लाइट्स हैं वो जो है अब वहाँ पर रुक पाएंगी और उसके बाद जो है सुबह जो है सर्विस शुरू होगी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि फ़्लाइट्स जो हैं जम्मू में आती थी रात को और फिर रात को ही वापस चली जाती थी और फिर दोबारा जो है सुबह आना पड़ता था, और उसके बाद जो है पूरी फ़्लाइट सर्विस अगर बात करते हैं तो टाइमिंग के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से जो है शुरू की जाती थी। तो इसमें अब बता दें आपको कि जम्मू एयरपोर्ट पर अब रात को भी जो है विमान रुक पाएंगे। तो फिलहाल यही बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहा था। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।